जय हिंद दोस्तों। इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे, काफी सारे मेरे पास फोटो इमेजेस आती है कि सर हमारी पैंट खराब हो गई, सर हमारा शर्ट खराब हो गया, टॉप खराब हो गया इसके वजह से। तो ये बहुत सारे लोगों के घर में होता है। रिन आला कहते हैं इसे, अभी इसका नाम रिन फैब्रिक वाइटनर है। ये रेगुलर यूज के लिए आपको जनरल स्टोर्स में भी मिल जाएगा और मोस्टली ये व्हाइट कलर के कपड़ों में यूज होता है और व्हाइट कलर के कपड़ों में ही यूज करना है। बट क्या होता है कि कभी कभी हमारी माता बहनें जो होती है ना, उनके पास सुबह सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर वो जल्दी जल्दी में इसे यूज कर लेते हैं और सारे कपड़े एक साथ में होते हैं, व्हाइट कपड़े भी एक साथ में होंगे, कलरफुल कपड़े भी एक साथ में होंगे, तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ये लग जाता है किसी कलर कपड़े पे, और जिस कलर कपड़े पे ये लगा ना तो उसका कलर 100% डैमेज हो जाता है। और लगने के बाद में मेरे पास आप इमेजेस भेजोगे, मेरे पास सजेशन लोगे मुझसे, तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। रिपेयर कर पाए आपके कलर के कपड़ों को तो डैमेज होने के बाद में नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर जीन्स वगैरह हो, कॉटन के कपड़े हो, तो उसको आप डाई करा सकते हो, कलर करवा सकते हो, बस यही हो सकता है। बाकी एक बार डैमेज हो गया ना कपड़ा तो नहीं होगा। और कुछ लोग हैं जो इसे कलरफुल कपड़ों में भी यूज करते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा ऑयल स्टेन गिर गया, कुछ भी स्टेन हो उसके ऊपर ये यूज कर लेते हैं और कपड़े अपने खराब कर लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कपड़ों के लिए यूज करना है और इफेक्टिव है। व्हाइट कपड़े ज्यादा खराब होते हैं, ज्यादा मैले होते हैं, ज्यादा स्टेन उनके ऊपर आ जाते हैं, गुटके के स्टेन समझ लो, ऑयल के स्टेन, जो भी हम खाना खाते हैं वो गिर जाता है, वो 99% जो स्टेन होते हैं ना व्हाइट कपड़ों के, इससे रिमूव होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कलर कपड़ों पे आप यूज करते हो डैमेज तो होता ही है, बट अगर आपको कोई व्हाइट कपड़ा है उसके साथ में कुछ कॉन्ट्रास्ट कलर है, डार्क कलर, व्हाइट कलर, ऐसा कॉन्ट्रास्ट कलर है, तो उनमें आपको यूज समझो नहीं करना है, करना तो बिल्कुल भी नहीं है। बट होता क्या है मैं वो आपको दिखाता हूं। कोई भी ऐसा डार्क कलर का कपड़ा आता है ना, तो इसके ऊपर एक होल बना है, एक छेद है इसमें, और इसको ऐसे करना है, बराबर। ये हो गया गीला आपका, यानी जो भी इनविजिबल पार्ट हो, ये मैंने बहुत ज्यादा डाला है जल्दी इफेक्ट मिलने के लिए। बाकी आप एक छोटी सी नीडल वगैरह ले सकते हो, छोटा सा आप कॉटन ले सकते हो और उसमें लगा के देख सकते हो, ऐसा अगर आपको चेक करना है। कई बार लोग पॉलिस्टर टेरिकॉट के ऊपर कई बार चल जाता है, बट आप अगर एकदम कॉटन की नई सी पैंट हो, वो लाइट कलर की भी है, बट कलर शेड चेंज इसमें से हो जाता है। देखो अभी मैंने कितना टाइम हुआ, हो गया ना, कितना टाइम हुआ है, ये एक मिनट भी नहीं हुआ इसे लगा के, देखो कलर खराब हो गया समझो इसका। अभी तो ठीक है, वेस्टेज ही कपड़ा था तो मैंने यूज करके दिखाया आपको, बट कोई नए टी शर्ट होते हैं और लाइट कलर के कपड़ों पे अगर आप यूज करते हो, बहुत सारी एकदम लाइट कलर की, फ्रेश कलर की नई नई पैंट होती है, दो दो तीन तीन हजार रुपए की, उसमें भी ये यूज करते हैं, तो उसके क्या होता है, कलर रेड हो जाता है या फिर कलर एकदम येलोइश हो जाता है, तो इसके वजह से होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना, आपको सिर्फ व्हाइट कपड़ों पे ही यूज करना है। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं कि घर पे आप क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हो, क्या मटेरियल आप घर पे ला सकते हो और क्या मटेरियल घर पे होना चाहिए, बट जो नहीं चलेगा दूसरे कपड़ों पे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी मैं इसका यूज बता देता हूं कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। अर्लियर मैंने वीडियो बनाई है इसकी, बट अभी मैं आपको वापस से बता देता हूं। अगर एक शर्ट हो, दो हो, तीन चार शर्ट भी हो ना, तो आधी बकेट पानी लेना है, 20 लीटर का बकेट आता है, उसमें से 20 लीटर 16 लीटर आधा आधा से ऊपर 10 एक लीटर तक आप पानी ले सकते हो। उसमें ये दो तीन ढक्कन डाल सकते हो, दो तीन ढक्कन डालिए और फिर वो कपड़े उसमें भिगो दीजिए। हाँ, इसको आप जब कपड़ों को सोकिंग करेंगे ना तो 30 मिनट तक रखना है, मैक्सिमम 30 मिनट तक। व्हाइट कपड़ा हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कलरफुल कपड़ा हो, क्रीम कलर वगैरह हो, तो मैंने जैसा टेस्टिंग करने के लिए बताया आपको, तो वैसा टेस्टिंग कर सकते हो, बट मेरी मानिए सिर्फ व्हाइट कपड़ों में यूज कीजिए और मैक्सिमम
30 मिनट तक आप उसको सोकिंग कर सकते हैं, और सोकिंग ठंडे पानी में करना है। गर्म पानी में अगर करेंगे तो कपड़ा कहीं ना कहीं डैमेज होने की शुरुआत उसकी हो जाती है। वॉश करने से पहले इसको अच्छे से सोकिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप सोडा डिटर्जेंट पाउडर से वॉश कर सकते हो। 100% बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे कपड़े, स्टेन फ्री हो जाएंगे, बट सिर्फ व्हाइट कपड़ों के लिए। कलर कपड़ों पे बिल्कुल भी ना यूज कीजिए। अगर कलर कपड़ों पे कुछ स्टेन होते हैं ना, तो आप लॉन्ड्री में दीजिए। लॉन्ड्री में एटलीस्ट स्टेन नहीं जाएगा, बट आपका कपड़ा खराब नहीं होगा, या धीरे धीरे स्टेन वो कम कर सकते हैं। तो बस यही है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, कुछ रह गया हो, छूट गया हो मुझसे, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, हल्दी के स्टेन जाते हैं, गुटके के स्टेन जाते हैं, ऑयल के स्टेन भी जाते हैं व्हाइट कपड़ों पे अगर हो तो, मिट्टी के स्टेन शायद नहीं जाएंगे बट कम हो सकते हैं, ऑयल ग्रीस के स्टेन इससे नहीं जाएंगे, और बहुत सारे स्टेन होते हैं। अगर आप मुझे मेंशन करोगे ना कमेंट बॉक्स में, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना सकता हूं कि घर में इनको कैसे निकाला जाए, कैसे कोई मटेरियल अप्लाई किया जाए, डैमेज फ्री कैसे काम होगा घर पर, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो फ्रेंड्स, और ये जनरल स्टोर्स में मिल जाता है, ये वीडियो यही तक थी। बहुत सारे इमेजेस आए इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो बस यूज करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए और फिर यूज कीजिए। ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, कॉमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिए, कॉमेंट बॉक्स में मुझे मोटिवेशनल कॉमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है, उसके बाद में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद फ्रेंड्स।